किस्मत बहुत ही कम लोगों को मौका देती है, आगे बढ़ने का वक्त रहते संभल जाओ। ऐसा मौका बार बार नहीं देती है, कुछ करने के लिए कोशिश करना बहुत आवश्यक है। जीवन में कई बार आप ऐसे कुछ कार्य करते हैं जो अनावश्यक चीजों से भरे हुए होते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए आपको सशक्त और एक बेहतर इंसान बनने के लिए निरंतर रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की जय कार्य अवश्य लगे, ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। और उसके साथ ही साथ दोस्तों, कई सारे लोग हमें इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका राशिफल सटीक नहीं होता, तो हम उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन जब भी आप हमारा राशिफल सुन तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जन्म तिथि अवश्य ही डाल दीजिए, ताकि आपको आपकी सटीक भविष्यवाणी मिल सके। कोई कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है, छोटी तो हमारी सोच होती है। और दोस्तों, सच तो ये है कि इसकी वजह से हम कभी कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब सोचना ही है तो बड़े से बड़ा सोचो, फर्क कहां है, सोचना तो दोनों स्थिति में पड़ेगा। हम सब हमेशा भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे माता पिता ही भगवान का एक रूप है। जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, इसीलिए आपको अपनी सोच को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए। काली रात चाहे कितनी भी हो, लेकिन सुबह होने से, कोई प्रकृति को होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक उसी तरह यदि आपके जीवन में अभी बहुत ज्यादा परेशानी है, तो भरोसा रखो, एक दिन खुशियों का सवेरा जरूर होगा। आज की यह वीडियो तुम्हारी तकदीर न बदल दे, फिर कहना मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 15 दिनों के भीतर एक ऐसी चमत्कारी घटना होगी जो इस्मत को ही बदल कर रख दे। जी इतना ही नहीं, आपको कितना भी बड़ा दुश्मन है, उन सभी की बोलती बंद हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज से अब आपके दुश्मन भी आपका गुणगान करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। आपकी किस्मत को हराम मचाती है। अगले 3 दिनों के अंदर इतना ज्यादा चमत्कार देखने को मिलेगा कि आप तो हैरान होंगे ही, साथ ही आपके दुश्मन भी हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि है भगवान, इसकी इतनी अच्छी किस्मत कैसे लिख दी। जी हां दोस्तों, आखिर खुशखबरी ही इतनी बड़ी मिलेगी कि जिन्हें देखकर आपको अपने आंखों पर यकीन होना भी मुश्किल हो जाएगा। अब आप ईश्वर का धन्यवाद करते थक जाएंगे और कहेंगे कि हे प्रभु, हमारे जीवन काल में इतनी ज्यादा चमत्कार कैसे हो गया, हमने तो अपने पूरे जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार की कभी कल्पना भी नहीं किए थे, आपने तो हमारे जीवन को ही धन्य कर दिया। दोस्तों, आज से अगले दिन का यह समय आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, लगाम लगाना बेहतर रहेगा, ताकि आप अपने भविष्य के लिए कुछ धन आसानी से संचय कर पाए। यदि आपकी कोई पुरानी देनदारी लंबे समय से चल रही है, तो आप उसे भी काफी हद तक उतरने में सफल रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, आपको अपनी माता जी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को ध्यान में रखना होगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके सहयोगियों का आपको पूरा साथ मिलेगा। लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा, आपको अपने जूनियर से मदद लेनी होगी जो उनको आसानी से मिल जाएगी। बिजनेस में आपकी किसी योजना से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके काम लटक सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों के साथ इसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आपको कुछ नए लोगों से मिलजुल बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपकी वाणी की स्वामिता देखकर लोग आपकी जन समर्थन में भी इजाफा होगा। लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा में किसी प्रतियोगिता में मनचाही सफलता मिलने से प्रसन्नता रहेगी। परिवार में लोगों का साथ आपको पसंद आएगा और आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। आप धन का लेन देन यदि करें तो उसमें लिखा पढ़ी करके करें, इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अपने कामों को प्राथमिकता देनी होगी, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप अपनी आय और व्यय के लिए एक बजट बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कुछ नए अनुबंधों का आपको लाभ मिलेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में लगे रहेंगे, जिम आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। और आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप एक कामों को करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके मन में किसी बात को लेकर टेंशन में रहेगा, आप परिवार के सदस्यों के साथ इसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं।
लेकिन आपको बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाना बेहतर रहेगा, ताकि आप अपने भविष्य के लिए कुछ धन आसानी से संचय कर पाए। यदि आपकी कोई पुरानी देनदारी लंबे समय से चल रही है, तो आप उसे भी काफी हद तक उतरने में सफल रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपनी माताजी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को ध्यान में रखना होगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सहयोगियों का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको अपने जूनियर से मदद लेनी होगी, जो उनको आसानी से मिल जाएगी। बिजनेस में आपकी किसी योजना से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके काम लटक सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आपको कुछ नए लोगों से मिलजुल बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपकी वाणी की स्वामिता देखकर लोग आपकी जन समर्थन में भी इजाफा होगा, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा में किसी प्रतियोगिता में मनचाही सफलता मिलने से प्रसन्नता रहेगी। परिवार में लोगों का साथ आपको पसंद आएगा और आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। आप धन का लेन देन यदि करें तो उसमें लिखा पढ़ी करके करें, इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अपने कामों को प्राथमिकता देनी होगी, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप अपनी आय और व्यय के लिए एक बजट बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नए अनुबंधों का आपको लाभ मिलेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में लगे रहेंगे। जिम आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी, और आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप एक कामों को करने के लिए तत्पर रहेंगे। आज का दिन आपके लिए स्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा। आपको लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है और व्यापार में तेजी आएगी। आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके व्यापार में लाभ के अवसरों को पहचान कर उन पर चलना होगा, तभी आप अच्छा धन कमाने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट रहने के कारण भाग दौड़ अधिक करनी होगी। सभी का सहयोग और समर्थन आपके ऊपर बना रहेगा। आप अपने कामों पर पूरी निगरानी बनाकर रखें। यदि विद्यार्थियों ने किसी परीक्षा को दिया था तो उसमें उन्हें सफलता मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आप अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपनी योजनाओं पर आपका पूरा फोकस रहेगा, तभी आप उनका लाभ ले सकेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई सूचना सुनने को मिल सकती है कि व्यर्थ के बाद विवाद में पढ़ने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप बड़ों की सिख और सलाह पर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भावनात्मक मामलों में आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑनऑर्डर हाथ लग सकता है। आपको लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आप कोई महत्वपूर्ण बात किसी दूसरे से शेयर ना करें, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। निजी मामलों में आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपनी वाणी और व्यवहार से कुछ नए मित्र भी बनाने में कामयाब रहेंगे। अपने यदि किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने का सोचा है तो आपकी वही इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन आपके परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है, फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी पर अधिक विश्वास करना नुकसान देगा। मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। मित्रों से आपको कोई निवेश संबंधी प्रस्ताव आ सकता है। आपके परिवार के सदस्य की ओर से कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। आप अपनों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप कोई बात करें तो उसमें विनम्रता बनाए रखें, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। व्यापार में आपका कामों पर पूरा फोकस बना रहेगा। साझेदारी में कोई काम करने के लिए अच्छा रहेगा। आपका सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति में कार्यरत लोगों की लोकप्रियता बढ़ेगी। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। आपने यदि जीवन साथी से कोई बात छुपा कर रखी थी तो वह आज उनके सामने आ सकती है। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना होगा। आपका व्यक्तिगत प्रयास आज रंग लेंगे। नौकरी में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत होगा।
आप अपनी आय और व्यय के लिए बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक नयापन आएगा और आप शुभ कार्यों पर खर्च करेंगे। लेकिन धन संबंधित मामले में आप किसी पर अधिक विश्वास ना करें। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। घर में आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर पूरा जोर देंगे। आपके परिवार में सदस्यों से किसी के हुए वादे को समय रहकर पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आप किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार में चल रही कल दूर होगी और माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपको पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। बिजनेस कर रहे लोगों ने यदि अपने कामों में डील दी तो इससे उन्हें नुकसान होने की कोई संभावना बनती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आप सबके हित की बात करेंगे और कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी कुछ योजनाएं गति पकड़ सकती हैं। यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको मिलता दिख रहा है। आप अपनी जिम्मेदारियां पर खड़े उतरेंगे और मित्रों के साथ आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। भाईचारे को बढ़ावा देंगे। सबसे मिलजुल रखने में आप कामयाब रहेंगे और आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। आप सबको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से मेहमानों का आगमन होता रहेगा। घर परिवार में आप किसी से किए हुए वादे को समय रहते पूरा करें।